तो भाई आज हम बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिज़ायर के बारे में। अगर कोई बंदा एक सेडान गाड़ी ढूंढने जाता है, उसका बजट ऐसे ही 19-21 का हो रहा है, तो भाई एक बार स्विफ्ट डिज़ायर के बारे में सबसे पहले सोचता है। और इसका VXI वेरिएंट भाई काफ़ी वैल्यू मनी होने वाला है, तो आज हम इसके VXI वेरिएंट की बात करने वाले हैं। अगर कोई बंदे जो खरीदना चाहता है तो कितने कुछ आपको प्राइस पड़ने वाला है, उसी कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे। तो बिना कुछ देरी की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियोज़ पसंद आए तो भाई अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। अगर हम इसके इंजन की बात करें तो आपको इसमें मिलता है 1.2 लीटर का इंजन विद 4 सिलेंडर के साथ, जिसमें कि अगर पावर की बात करें तो आपको इसमें 88 bhp, वहीं टॉर्क की बात करें तो आपको 113 nm का टॉर्क देखने को मिल जाता है। फ्रंट के बोनेट में भाई आपको इंसुलेशन देखने को मिल जाती है, जैसे कि आप सभी को पता है कि भाई मारुति की गाड़ी होती है उसका काफ़ी रिफाइंड एंड साइलेंट इंजन होता है। मारुति स्विफ्ट डिज़ायर काफ़ी स्पोर्टी गाड़ी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे कि आपको इसमें डी कट स्टेयरिंग व्हील देखने को मिल जाता है, जैसे आपको स्विफ्ट में मिलता है। आपको इस गाड़ी में 5 सीटर की सीटिंग कैपेसिटी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। वही दूसरी ओर अगर हम इसके बूट स्पेस की बात करें तो आपको 378 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, भाई सफिशियंट है सेडान गाड़ी के हिसाब से। वही दूसरी ओर अगर हम इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो आपको 37 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं कि ये 1.2 लीटर इंजन वाली गाड़ी भाई माइलेज कितना देती होगी। कंपनी क्लेम करती है इसका 23 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से। सेडान गाड़ी में भाई आपका ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर हम इससे ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो आपको इसमें मिल जाता है 163 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि ठीक ठाक है। अगर आप एक सेडान गाड़ी ढूंढने जा रहे हो और अगर आपका बजट 19-21 का हो रहा है, तो भाई आप सोचो कि भाई स्विफ्ट डिज़ायर लूँ या ना लूँ। अगर मैं मेरे ओपिनियन बताएं तो भाई आंख बंद करके चल जाओ उसके VXI वेरिएंट की तरफ। अगर मैं आपको इसका प्राइसिंग बताऊं तो भाई आपको इसमें प्राइसिंग देखने को मिल जाएगा VXI वेरिएंट का 8,09,000। और मारुति की गाड़ी का भाई ऐसा अगर आप बेचना चाहते हो तो भाई आपको रीसेलिंग वैल्यू काफ़ी बढ़िया मिल जाती है। अगर आप दूसरी गाड़ी का कंपेयर में मारुति की गाड़ी की बात करें, अगर वहीं इसके रीसेलिंग वैल्यू की बात करें, अगर आप इस गाड़ी को 4-5 साल बाद चला के बेचते हो तो भाई आँख बंद करके बंदा ले लेता है, क्योंकि भाई जीरो मेंटेनेंस। और एक तो भाई मारुति गाड़ी ऐसा है भाई मेंटेनेंस कभी मांगता नहीं, तो भाई आपको अगर बेचते हो भाई इस गाड़ी को सेकेंड हैंड, तो भाई आपको तो दिक्कत नहीं आ रही दूसरी गाड़ी के मुकाबले। तो भाई ये थी आपकी वीडियो स्विफ्ट डिज़ायर VXI वेरिएंट के बारे में, जिसमें कि मैंने आपको प्राइसिंग वगैरह बता दिया और आपको खरीदनी चाहिए या नहीं वो भी मैंने आपको बता दिया। भाई वीडियो के लिए इतने रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता तो आप लाइक कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।